और एक एक सरिया देकर इन्हें रुख्सत कर दो। कहिए मत, ये बताइए हमारी प्रजा का क्या समाचार है। माजी, आप इस हीरागढ़ की प्रजा आपके इस शासन काल से अति प्रसन्न है। बातें किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है। माजी बेटा, ऐसा ही होना चाहिए। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हुई तो समझ लो मुझे तकलीफ नहीं। बात प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हम लोगों का परम कर्तव्य है। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। बातें बहुत अच्छी बात, लेकिन बेटा आज काफी दिन हो चुके हैं लेकिन सीमा सरहद का कोई समाचार नहीं मिला। इसलिए सेनापति अमर सिंह को राज दरबार में तत्काल बुलाया जाए। चौदह बातें सिपाही, आए सिपाही, इधर आओ सिपाही।
सेना बाजा पर सिंह को फोन करिए और बोलिएगी राज माता राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है, शीघ्र राज दरबार आकर हाजिर हो। साहब का नंबर तो तुमको लिख कर दिया था यार, देखो अपने पॉकेट के अंदर लगाओ, हमारे घर का नहीं बने घर का लगाओ, पता हो तो लगाओ। मेहरबान से तुम बतला के सौखी हो, कहा टावर नहीं ना, खूंटी ना हो कोनो खूंटे पकड़ाओ। पकड़े मिलाओ यात्री, कृपया ध्यान दें, वाराणसी से चलकर रायबरेली के रास्ते गाड़ी संख्या 0-53-11 अपने निर्धारित समय 7:25 पर जा रही है। यात्रियों से अनुरोध है कि अपना अपना सामान पकड़ के बैठे। कहाँ को लगा दिया यार, हाँ कठहरी मोटर जी, हाँ तिरपन एक कम है तो मिला, हेलो क्या काम है बोलो। अरे मैं कोठे से बोल रही हूँ, बोलो बेटा। बेट नहीं खा लिया आज, हाँ बेट नहीं खा ली बेटा, कल चार्ज करा लेना। तू हुए के सौखी हुए के लगाऊंगे करी हो, सलीम की माँ ऐसा करो, ऐसा ज्यादा इमरजेंसी हो तो पीछे वाले गेट से आ जाओ। क्या करोगे, तुमको बर्दाश्त नहीं हो रहा, समझ रही हूँ आदत। अरे कुत्ते फोन कहाँ को लगा रहा रे है? एक घंटा गाल भी रसीद करूंगा भी। अरे मैंने कहा कि सेना बाजा अमर सिंह को फोन करिए और तम साले कुत्ते लाला बाजार को फोन कर रहे हैं। फोन हेलो, हाँ कौन,
सेनापत अमर सिंह। जय हिंद साहब। जय हिंद। कोई जरूरी काम? ठीक है, राजमाता से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। ओके। आज मैंने तुम्हें कुछ जरूरी काम से बुलाया। सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल, सीमा पर क्या हो रहा बतलाओ तत्काल, सेना की कहिए खबर क्या है इस दम। सरहद का क्या समाचार है ये मैं जानना चाहती हूँ। अमर सिंह, आज तक इस हीरागढ़ की रियासत थी मैं अपना राज चलाती चली आई हूं तुम्हारी बाजों की ताकत की वजह से, लेकिन तुम नहीं जानते कि आज मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया है। आज मैं तुमसे कुछ सलाह लेने के लिए बुलाया है। तीसरापन मेरा बीतने वाला है, तीसरापन मेरा बीतने वाला लगे,
जिंदगी का है कोई भरोसा नहीं, रात दिन मुझको चिंता रहती यगी, कुछ समझ में हमारे है आती नहीं। दिन मुझको चिंता है रहती यही, कुछ समझ में हमारे है आती नहीं। तुम ठीक कहते हो, ईश्वर ने मुझे दो औलाद दिए, बड़ा बेटा जौहर सिंह, छोटा बेटा नाहर सिंह। इसी बात का तो मुझे गम है, गौर से सुनिए कि किस बात का मुझे गम है। अमर सिंह करिए जरा विचार, अमर सिंह करिए जरा विचार, राज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह करिए जरा विचार, करिए जरा विचार, ताज पर किसका हो अधिकार। बेटा जौहर सिंह मेरा या नाहर सिंह बलवान, बेटा जौहर सिंह मेरा या शासक बने महान। उपस्थित दोनों राजकुमार, उपस्थित दोनों राजकुमार, आज पर किसका हो अधिकार। अमर सिंह तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह मालूम है तुम आज के सेनापति ही मेरे स्वामी जी के जमाने के सेनापति हो। मेरे स्वामी जी जो भी कार्य करते थे बगैर तुम्हारे सलाह के एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते थे। इसलिए मेरा हुक्म है कि जैसा तुम सलाह दोगे वैसा मैं भी करूंगी। नहीं अमर सिंह, मेरे दोनों बच्चे पढ़े लिखे समझदार हैं, जैसा तुम फैसला करोगे तुम्हारे हुक्म का पालन होगा। तुम बेफिक्र होकर फैसला कीजिए। सेनापति जी, आप आज के नहीं पिताजी के शासन काल से आप इस पद पे तैनात हैं, और पिताजी जो भी कार्य करते थे
बगैर आपके सलाह के नहीं करते थे, और वही माँ भी बगैर आपके सलाह के कोई कदम नहीं उठाती। इसे माँ ने अपना फैसला सुना दिया है, अब आप अपना फैसला सुनाएं कि हक तो वैसे पिता के ना रहने के बाद किसका होता है ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, तो फैसला मेरे हक में होना चाहिए। हाँ तो अपना फैसला आप सुनाइए कि आपका फैसला क्या है। चाचा जी, आप मेरे पिताजी के जमाने की एक वफादार सेनापति और मेरे पिताजी भी अगर कोई कार्य करते थे तो सबसे पहले आपसे सलाह लेते थे, और आपको हम लोग कोई आपको गैर नहीं समझते, आप हमारे परिवार के एक सदस्य हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि पिताजी के ना रहने के बाद ताज और तख्त का हक बड़े भाई का बनता है, लेकिन फिर भी ये फैसला आपने हमारे पक्ष में ले लिया। Thank you.
महर्षि, जाओ जाकर अपनी बंगले के आराम कीजिए। जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें बुलाऊंगा। छोटा भाई नाहर सिंह यहाँ का सम्राट है और तुम्हारा फर्ज ही है कि अपने छोटे भाई के हुक्म का पालन करना, क्योंकि आज से तुम यहाँ के महामंत्री हो और तुम्हारा फर्ज ही है कि रियासत की देखभाल करना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और सिपाही, मेरे बड़े बेटे जौहर सिंह के साथ ड्यूटी पे तुम भी तैनात रहना। हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसी जगह राज दरबार का मेन गेट बंद कर दीजिए।